Welcome to English grammar class, dear students. So this is our preparatory video assignment number 2 for preparation of unit test 1. So before we begin, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially at public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear students, today we are going to revise a chapter number 1, the sentence. So let's begin with exercise number 1. Complete each of the following sentences as directed in such a way that it means the same as the sentence preceding it. So yahan pe hamare paas ek sentence given hoga aur dusra sentence humne is tarah se banana hai ki jo first sentence hai uska meaning usme clear ho, meaning change na ho, theek hai. First is nobody will deny that he was innocent. सो इसकी स्टार्टिंग हमने करनी है एवरीबडी से. सो नोबडी विल डिनाई ही वॉज इनोसेंट. इसको आप चेंज कर सकते हो. तो आप क्या कर सकते हो, जैसे नोबडी विल डिनाई, कोई भी मना नहीं करेगा, मतलब एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट ही वॉज इनोसेंट. सो हमने लिख दिया एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट ही वॉज इनोसेंट. सेकेंड इज वेरी फ्यू मैन वुड बी क्रूएल टू अ चाइल्ड. इसकी स्टार्टिंग हमने करनी है नॉट मैनी. तो वेरी फ्यू मैन वुड बी क्रूएल, मतलब नॉट मैनी मैन वुड बी क्रूएल टू अ चाइल्ड. वेरी फ्यू को चेंज करके हम नॉट मैनी लिख सकते हैं, तो बाकी सारा सेंटेंस सेम हो गया. नाउ नेक्स्ट इज ही केयर्स लिटिल अबाउट व्हाट शी सेज. सो ही डज नॉट केयर मच अबाउट व्हाट शी सेज. ये भी सेम मीनिंग ही बना रहा है. आई शैल नेवर फॉरगेट यू. इसकी जो एंडिंग करनी है आपने रिमेंबर यू से करनी है. तो आई शैल नेवर फॉरगेट को आप लिख सकते हो आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू. ही डिड नॉट स्पेंड मैनी डेज इन पटना. तो मतलब ही स्पेंड अ फ्यू डेज इन पटना, क्योंकि इसकी एंडिंग आपने करनी थी अ फ्यू डेज इन पटना से. तो अगर उसने ज़्यादा दिन नहीं बताए, मतलब उसने फ्यू डेज वहाँ पर स्पेंड किए हैं. सो ही स्पेंड अ फ्यू डेज इन पटना. She is not always wise. अब इसका एंड आपने करना है foolish से. So आप लिख सकते हो she is sometimes foolish. Rita is shorter than Veena. इसकी स्टार्टिंग करनी है Veena is not. तो अगर Rita shorter है, मतलब Veena is not shorter than Rita. Only a coward could commit such a crime. इसको बिगिन करना है no one से. तो मतलब only a coward अगर कर सकता है, तो मतलब no one brave could commit such a crime. As soon as he reached the station, the train left. अब इसकी बिगनिंग आपने करनी है no sooner से. तो अगर आपने no sooner से बिगनिंग करनी है, तो मतलब कॉमा रिमूव करके यहाँ पे then आएगा. No sooner he reached the station than the train left. Okay, there is no smoke without fire. तो इसकी स्टार्टिंग इसका एंड करना है आपने देयर इज फायर से. तो मतलब आप स्टार्टिंग करोगे वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2. चेंज द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. तो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है. तो इसका वन बेसिक रूल है इफ नॉट इज प्रेजेंट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस देन असर्टिव सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव. मतलब अगर इंटरोगेटिव में नॉट लगा है तो असर्टिव में नॉट नहीं आएगा. इफ नॉट इज प्रेजेंट इन असर्टिव सेंटेंस देन इंटरोगेटिव मस्ट बी अफर्मेटिव. मतलब अगर नॉट असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव होगा, उसमें नॉट नहीं आएगा. ठीक है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है तो असर्टिव में नॉट नहीं होगा. अगर इंटरोगेटिव में नॉट नहीं है तो असर्टिव में नॉट होगा. सो फर्स्ट सेंटेंस इज हु वुड नॉट हेट सच अ लायर. सो यहाँ पे भी हु होगा, वहाँ पे आप एवरी वन या नोबडी से रिप्लेस कर सकते हो. तो यहाँ पे नॉट था, तो मतलब एवरी वन वुड हेट सच अ लायर. क्योंकि अगर इंटरोगेटिव में नॉट है तो मतलब जो असर्टिव बनेगा उसमें नॉट नहीं होगा. तो हमने एक सेंटेंस फॉर्म किया जिसमें नॉट नहीं है और वो असर्टिव भी है. सो व्हाट मोर कैन आई डू.
अब यहाँ पे नॉट नहीं था तो मतलब जो असर्टिव हम बनाएंगे उसमें नॉट या नथिंग आ सकता है. सो आई कैन डू नथिंग मोर. आर वी गोइंग टू सरेंडर लाइक दिस. इसमें भी नॉट नहीं था तो असर्टिव में नॉट होगा. वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर लाइक दिस. हु कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द मून. इसमें भी नॉट नहीं था तो मतलब अगर यहाँ पे हु है तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, नोबडी से. नोबडी कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द मून. शुडंट वी चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स. अब यहाँ पे नॉट ऑलरेडी है सो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा उसमें नॉट नहीं होगा. वी शुड चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स. कैन वी गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स. अब यहाँ पे भी नॉट नहीं था तो असर्टिव क्या बनेगा, वी कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न. इज दैट द वे अ स्टूडेंट शुड बिहेव. अब यहाँ पे भी नॉट नहीं था सो दिस इज नॉट द वे अ स्टूडेंट शुड बिहेव. तो असर्टिव में हमने नॉट लगा दिया. इज इट नॉट रिडिकुलस टू बिहेव लाइक दिस. यहाँ पे नॉट था तो असर्टिव में नॉट नहीं आना चाहिए. सो वी कैन से इट इज़ रिडिकुलस टू बिहेव लाइक दिस. Who can succeed by cheating others? So who था तो इसको आप एवरी वन और nobody से रिप्लेस कर सकते हो. अब क्योंकि इसमें not नहीं था तो हम nobody से रिप्लेस कर देंगे. Nobody can succeed by cheating others. Why? Who does not know the value of time? So यहाँ पर not already था तो आप लिखोगे everybody knows the value of time. एक्सरसाइज 3. चेंज द फॉलोइंग इंटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. अब हमने इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में चेंज करना है. तो पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि असर्टिव सेंटेंस कैसा होगा जिसमें एक सब्जेक्ट हो, मतलब आई वी दे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट. उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर कैन कुड हैव एक्सेट्रा. और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा. तो आप एग्जांपल ले सकते हो यू आर हार्ड वर्किंग. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगी, जैसे इज़ एम आर कैन कुड. और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई वी दे इनमें से कोई भी. और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल आर यू हार्ड वर्किंग. ओके सो लेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज. No one can do anything under these circumstances. अब इसमें एक बेसिक रूल बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव में नॉट नहीं आएगा, और अगर असर्टिव में नॉट है तो इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं आएगा. सो यहाँ पे नो था तो यहाँ पे आप लिखोगे हु कैन डू एनीथिंग अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज. सो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नो वन कैन लिव विदाउट होप. सो नो ऑलरेडी था तो आप लिख दोगे हु कैन लिव विदाउट होप. टेलीफोन इज अ नॉइजेंस. सो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस. अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट. अब क्योंकि इसमें नॉट नहीं था तो इंटेरोगेटिव में नॉट भी आएगा. इज टेलीफोन नॉट अ नॉइजेंस. नथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग समथिंग. अब इसमें नथिंग ऑलरेडी था मतलब जो हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा उसमें नॉट नहीं होगा. कैन एनीथिंग बी ऑब्टेन्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग समथिंग. दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू योर सुपीरियर. अब इसमें भी ऑलरेडी नॉट था तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा. इज दिस द वे टू टॉक टू योर सुपीरियर. देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. इसमें भी नथिंग आ गया मतलब नॉट आ गया तो इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं आएगा. इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. No one can be more faithful than your dog. No one. तो मतलब इसमें not नहीं आएगा. Can anyone be more faithful than your dog? Everyone likes an honest friend. So इसमें अब not नहीं था तो interrogative में not आएगा. Who does not like an honest friend? He could have done nothing without your advice. So nothing already यहाँ पे आ गया. So we can say could he have done anything without your advice? Prevention is better than cure. इसमें not नहीं था तो interrogate में not आएगा. Is prevention not better than cure? Exercise 4. Change the following into assertive sentences. तो अब इन सब सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना है. ऑल ऑफ दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो असर्टिव में आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा. फॉर एग्जांपल व्हाट अ फूल ही वाज.
तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव जो बनेगा उसमें आप एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखोगे। सो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब आ गई वॉज, और उसके बाद अ फूल इज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बन गया असर्टिव सेंटेंस। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। सो यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट डालोगे इट, देन वॉज इज आर वर्ब, एंड देन काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस इज आर ऑब्जेक्ट। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। तो आपने यही देखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाउ द माइटी हैव फॉलन। द माइटी हैव फॉलन। व्हाट अ टेरिबल मैन। ही इज अ टेरिबल मैन। अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। द सोल्जर इज अफ्रेड ऑफ फाइट। वुड डैट माय फादर वर हियर टुडे। सो वुड डैट, यहाँ पे भी वुड डैट आ गया, मतलब उसको रिप्लेस कर दोगे आई विश के साथ। ये आपने सारे सेंटेंसेस में ऐसे ही करना है, वुड डैट या और डैट, उनमें से कोई भी आ गया तो आई विश के साथ रिप्लेस करके बाकी सेंटेंस एज इट इज़। माई फादर वर हियर टुडे। वट अ लवली चाइल्ड। ही इज़ अ लवली चाइल्ड। ओ डैड आई हैड द स्विफ्टनेस ऑफ लाइटनिंग। सो यहाँ पे फिर से आ गया ओ डैड। ओ डैड को भी आप रिप्लेस कर दोगे आई विश के साथ और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़। आई विश आई हैड द स्विफ्टनेस ऑफ लाइटनिंग। हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू से दिस। सो यहाँ पे भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो। इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू से दिस। वट अ रैश डीड यू हैव डन। यहाँ पे भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो। यू हैव डन अ रैश डीड। एक्सरसाइज 5, चेंज द फॉलोइंग इन टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो देयर आर सम असर्टिव सेंटेंसेस गिवन हियर एंड यू हैव टू चेंज देम इन टू असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो एक्सरसाइज 4 का ये बिल्कुल रिवर्स है। सो द फार्म हाउस हैज़ अ डिजर्टेड लुक। सो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल एंड में चली जाएगी और आप स्टार्टिंग व्हाट से, हाउ से कर सकते हो, है ना। सो आप स्टार्टिंग कर दो व्हाट से, उसके बाद जो भी हमारा एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन या फिर एडजेक्टिव यहाँ पे होगा, जैसे कि डिजर्टेड। व्हाट अ डिजर्टेड लुक द फार्म हाउस हैज़। इट इज़ अ पिटी डैट ही हैज़ टू अंडरगो ऑल दिस। सो यहाँ पे भी इट इज़ अ पिटी ऐसा कुछ आ गया तो वहाँ पे आप लिख दोगे अलास और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद ही हैज़ टू अंडरगो ऑल दिस एज इट इज़ लिख दोगे। नाउ वी हैड अ वंडरफुल टाइम लास्ट वीकेंड। सो आप फिर से स्टार्ट कर दो व्हाट, उसके बाद जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, अ वंडरफुल टाइम। व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड लास्ट वीकेंड एक्सक्लेमेशन मार्क। हिज सेक्रीफाइस वर रिमार्केबल। सो हाउ रिमार्केबल हिज सेक्रीफाइस वॉज। आई विश आई हैड नेवर लेफ्ट माई होम। सो आई विश को आ ओ डैड के साथ रिप्लेस कर दो और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज। ओ डैड आई हैड नेवर लेफ्ट माई। इट इज़ अ पिटी डैट ही इज़ अनडन। सो फिर से इट इज़ अ पिटी को अलास के साथ चेंज कर दो और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन जो बाकी सेंटेंस बचा वो एज इट इज़। ही इज़ अनडन, ही इज़ अनडन। I wish I were young again. I wish को चेंज कर दो ओ डैड के साथ और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़। I were young again. The mighty have fallen. अब इसको लिख सकते हो how the mighty have fallen exclamation mark. It was my bad luck that I met the man. How unlucky it was that I met the man exclamation mark. It is a very lovely rose. इसको दो तरह से चेंज कर सकते हो। First is how lovely this rose is or what a lovely rose it is. So that's all dear students. आपने ये 5 की 5 exercises को revise करना है. So all the very best.